हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। मेरा नाम है संजय और आज हम लोग बात करेंगे रोसरी बायोटेक के बारे में, जो अभी फ़िलहाल 2-3 महीने में ही लिस्टेड हुआ है NSE BSE एक्सचेंज में। तो इससे मैं 11,000 रुपया कमाया एक लॉट में, सिर्फ एक लॉट अप्लाई किया था जो मुझे मिला। और पहला दिन 4 आवर्स में, ओनली 4 आवर्स में मैंने रोसरी बायोटेक का थ्रू 11,000 कमाया। तो इन्वेस्टेड किया था अराउंड 14,800 रुपीज़। तो इस कंपनी का बिजनेस हम लोग देखेंगे और फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, और इसका कंपिटिटर्स पीयर्स के बारे में हम लोग भी देखेंगे क्या बिजनेस करता है। एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, तो हम लोग देखेंगे रोसरी बायोटेक के बारे में। तो इस कंपनी 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये मैन्युफैक्चर करता है टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स। और इस कंपनी जो इसका प्रोडक्ट्स है एंड प्रोडक्ट्स, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देता है। तो हम लोग तो नाम सुने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो उसको देता है। जैसे लिखा है इधर कि FMCG इंडस्ट्री में भी इसका प्रोडक्ट चाहिए, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर यूज करता है। और इस कंपनी 18 और भी, इंडिया छोड़ के और भी 18 देश में इसका बिजनेस है। जैसे इधर लिखा है इंक्लूड इंडिया, और भी बहुत सारा देश में जैसे बांग्लादेश, वियतनाम, मॉरिशस, बहुत सारा कंट्री में इसका बिजनेस है। और ये एक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस करता है और इसका बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। जैसे आप देख पा रहे हैं कंपनी हैज़ 1948 डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज अंडर दिस 3 कैटेगरीज। तो इनका 3 कैटेगरी का प्रोडक्ट है मेनली, टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल, एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड होम पर्सनल केयर एंड परफॉर्मेंस केमिकल। तो इस 3 कैटेगरी में कंपनी का ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और इसका R&D सेंटर भी है 2, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो सिलवासा में और एक है दादर एंड नागर हवेली में। तो जिसका कैपेसिटी है 1,00,000 MTPA है। और बहुत सारा इसका स्ट्रेंथ है। तो अभी जो ये अभी NSE BSE में स्टॉक लिस्टेड है और अभी इसका प्राइस है 820 रुपीज़। और जब IPO नया आया था, IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, उस टाइम इसका प्राइस जो कंपनी फिक्स किया था 425 रुपीज़। तो हम लोगों को 35 शेयर मिला था एक लॉट में। तो अभी और डिस्कस करेंगे इसका फिनंशियल्स के बारे में। तो हर एक एक साल का है, पहले 31 मार्च 2017, फिर 18, फिर 19, फिर 20। तो हम लोग देख पा रहे हैं कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, एसेट भी, टोटल एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसके साथ साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऐसे ही कंपनी हम लोगों को देखना चाहिए जिसका बिजनेस जो एक स्मॉल कैप है या मिड कैप है, और जिसका बिजनेस बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और जिसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है। तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है, हालांकि सेल्स थोड़ा कम हो गया बट प्रॉफिट ग्रोथ 30-40% है। और देखिए जैसे ये IPO आया था, IPO ओपन था July 13 से लेकर 15 तक, मीन्स 3 दिन के लिए IPO ओपन रहता है। तो 3 दिन के लिए IPO भी ओपन था, सुबह 10 बजे से लेकर इवनिंग 5 बजे तक। तो इसमें फ्रेश इशू था 50 करोड़ का, तो और जो ऑफर फॉर सेल था वो बाकी का, तो टोटल इशू साइज था अप्रोक्स 500 करोड़ का। तो इधर लिखा है देखिए मार्केट लॉट 35 शेयर्स का, और जो रेट में दिया था पी अराउंड 34 का था प्राइस टू अर्निंग, और मार्केट कैप देखिए उस टाइम 2200 करोड़ का था, अभी तो फिलहाल 4000 करोड़ का हो गया मार्केट कैप। और बिड्स ओपन देखिए, पहले 13 से 15, फिर फाइनलाइज होता है अलॉटमेंट, फिर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको अकाउंट में वो ब्लॉक जो अनब्लॉक हो जाता है। तो 21 को अनब्लॉक हो गया था और लिस्टिंग हुआ था July 23 को। तो पहले प्रोमोटर के पास, मीन्स इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, तो कंपनी के पास 95% होल्डिंग था, जो अभी IPO के बाद 73% हो गया। तो और हम लोग देखेंगे जैसे कैसे प्रोपोर्शन में दिया था। तो इधर 3 कैटेगरी है, QIB, NII, रिटेल कैटेगरी। तो अगर 2 लाख का नीचे हम लोग बिड डालेंगे तो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें हम लोग बिड डाला था तो 35% दिया, नॉट लेस देन 35%। और इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी हम लोग देखेंगे तो इधर दिखा रहा है
रिटेल कैटेगरी 7.23x एंड NII 239x एंड QIB 85x। मीन्स रिटेल कैटेगरी में अगर 7 आदमी अप्लाई किया तो 7 में से एक को मिलेगा, और तो फिर भी अच्छा है। बट QIB NII में तो QIB में 85% अगर अप्लाई किया तो उसमें से एक आदमी को मिलेगा, तो बम्पर लिस्टिंग इसीलिए दिया और कंपनी भी अच्छा है। तो इसके बाद हम लोग और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो इधर भी सब्सक्राइब करने के लिए बोला था, इसका रेटिंग भी जो दिया बहुत सारा कंपनीज़। तो अभी हम लोग देखेंगे कंपनी का फिनंसियल्स, क्या कंपनी फ्यूचर में जाके अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे मार्केट कैप, देखे थे ना अभी 2000 करोड़ के आसपास, तो यह अभी हो गया 4200 करोड़। मीन्स मार्केट में इसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है इस कंपनी का। और अभी आप देखिए, जिस दिन IPO इशू हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, तो 663 रुपीज़ इसका लो था, और सेम डे उसी दिन 804 का हाई जो अपर सर्किट वो भी शेयर लगाया था। तो इस कंपनी का ROC देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37-38 के आसपास, और सेल्स ग्रोथ तो अभी 3 साल हुआ नहीं, कंपनी लिस्ट नहीं हुआ इसलिए अभी शो नहीं कर रहा है, बट इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। और कंपनी का पीयर्स देखिए, ये तो केमिकल सेक्टर का कंपनी है, तो इसका पीयर्स है पिडलाइट इंडस्ट्री, आरती इंडस्ट्रीज़, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, सुमितोमो केमिकल, कैस्ट्रोल इंडिया, विनती ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट एंड रोसरी बायोटेक। तो ये सब कंपनी में देखिए, ROCE मैं मेनली देखता हूँ, तो ROCE में देखिए जिधर पिडलाइट है टॉप में, उससे भी ज़्यादा रोसरी बायोटेक का ROCE है। तो ऐसा देखेंगे तो बहुत कुछ अच्छा है कंपनी का। सेम इसका देखिए, अभी इस क्वार्टर में COVID-19 के लिए सब कंपनी का सेल्स प्रॉफिट, किसी का भी ग्रोथ नहीं है, बट इस कंपनी का प्रॉफिट देखिए, फिर भी 10% का प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। तो ऐसा करके कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है और आगे जाके और भी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। मार्जिन भी देखिए कितना अच्छा है, पहले 17% का मार्जिन, फिर 15, फिर 22% का मार्जिन। तो कंपनी बहुत प्रोस्पेक्टिव है, अगर आपको बहुत, अभी तो फ़िलहाल 820 रुपीज़ में स्टॉक चल रहा है, अगर आपको थोड़ा कम में मिलता है 750-700, तो जितना कम नीचे आता है, तो जितना डिप्स में, तो थोड़ा थोड़ा करके आप बाई करते रहिए। तो अभी इसका नेट प्रॉफिट भी देखिए, जून 2019 में 14 करोड़ था, तो अभी इंक्रीज़ होकर 15 करोड़। ये और भी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता अगर ये सिचुएशन नहीं आता COVID-19 का। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, और भी आपको अगर कुछ जानना है, कैसे IPO अप्लाई करते हैं, किसका थ्रू, कौन सा ब्रोकर का थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं, क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके बाद भी और बहुत सारा IPO आ रहा है, मैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।